अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल द प्योर लव स्टोरीज। तो कैसे हैं आप सब? होप आप सभी अच्छे होंगे। मैं भी बढ़िया हूँ, बोले तो मस्त एकदम। तो बिना वक्त ज़ाये किए शुरू करते हैं कहानी एहसास प्यार की, एपिसोड 100। प्रीवियस पार्ट हमेशा की तरह नहीं बोलूँगी, सीधे स्टोरी से शुरू करती हूँ। जो नताशा है वो शॉक्ड हो जाती है पूजा की बात सुन के। वो एकदम से बोली कि पूजा तुम्हारी दिमाग ख़राब है, तुम क्या बोलने जा रही हो? ये रूही कैसे हो सकती है? ये खुद तुम्हें जो है किडनैप करके लाए है यार। तुम्हें शायद कुछ चीज़ नशेली चीज़ दिए गए हैं। तुम खड़ी हो जाओ, तुम यहाँ मत आओ। ये बोल के वो वहाँ पे बस खड़ी रहती है। और पूजा वहाँ से उठती है, वो चलते हुए दबे पाँव उस साइड पे आती है और उस इंसान के सामने खड़ी हो जाती है जो इंसान ने अपनी फेस पे कुछ पहन के रखी थी। वो आती है, वो एकदम से वो मास्क को पकड़ते और वो जो हटा देती है। जैसी मास्क हटती है, नताशा की आंखें सीधा उसी इंसान पे पड़ती है और वो इतनी शॉक्ड हो जाती है कि उसके हाथ से गन गिर जाती है। और वो इंसान वाकई में रूही थी। रूही बड़े प्यार से पूजा की तरफ एकटक देख रही थी और पूजा एकदम से उसके सामने जाती, वो इतनी ज़ोर से उसके दिल पर मारती है ना, तभी एकदम से रूही बोलती आउच, अरे बेबी क्या हुआ? तभी पूजा ना उसके शोल्डर पे मारी जाती और रूही बस पीछे धीरे धीरे बढ़ रही थी और बढ़ते बढ़ते वो एकदम से किसी चीज़ के साथ लग जाती और जो रूही जो पूजा है उसको मारी जा रही थी। तभी एकदम से रूही उसकी दोनों हाथ को पकड़ लेती है और बोलती कि बेबी शांत हो जाओ, शांत हो जाओ, मारने की इरादा है क्या? जैसे ये बोलती है तो जो पूजा है वो एकदम से उसके सीने के साथ लग जाती है, अपनी सर टिका देती है और रोने लगती है। तभी रूही उसको बड़े प्यार से हक करती है, टाइटली अपनी बाहों में समा लेती है और बोलती कि बस ना आ गई ना। तभी एकदम से पूजा बोलती कि क्या आ गई? हाँ क्या आ गई? 3 महीने, सीरियसली रूही 3 महीने तुमने मेरी जान जा रही थी इतने दिनों से, यही क्या तरीका होती 3 महीने हर दिन मरी हूँ मैं? तभी एकदम से रूही उसे टाइटली और हक कर लेती और ये सारी सिचुएशन सीन देख के नताशा की हवाइयाँ उड़ जाती है। वो इतनी शॉक दी, सुन थो के खड़ी थी तो रूही की नज़र उसके ऊपर पड़ती है तो रूही थोड़ी सी पीछा करती है, लेकिन पूजा उससे उसके साथ जो है इतनी चिपक के रहती है, वो नहीं हट रही थी। तभी रूही बोलती कि बेबी सुनो, वो शॉक में चली गई है, उसको होश में लाते हैं वरना ऐसा ना हो कि हॉस्पिटल एडमिट करनी पड़ी। अरे बेबी आ तो गई ना, तो छोड़ो ना। तो थोड़ी सी पीछे करती है और एकदम से जाती है नताशा के सामने और उसके शोल्डर पे टैप करती है। नताशा बोलती है व्हाट द हेल, ये सब क्या है? तभी एकदम से जो रूही है बोलती कि रिलैक्स, तुम पानी पियोगी? तभी वो जो है साइड में से एक बोतल निकालती है और वो बोतल नताशा की ओर बढ़ती है और उसके एकदम से बोतल देती है और बोलती कि पहले ना तुम पानी पियो और यहाँ पे बैठो प्लीज़। हाँ और यार गन सीधा गन पॉइंट करना, यार गन तो मेरे पास भी है और चलाना भी बहुत अच्छी आती है, लेकिन यार ये खून खराबी करने की क्या ज़रूरत है, आराम से बैठ के बात करते हैं। तभी नताशा बोलती है क्या यहाँ पे कोई ड्रामा चल रहा है क्या? हाँ पूजा यार मेरी कुछ समझ नहीं आ रही है, मतलब मैं क्या बोलूँ? तभी पूजा बोलती है कि मुझे भी कुछ समझ नहीं आ रही है, बाकी सब आपको रूही समझा देगी। तभी नताशा घूर के रूही को देखने लगते है और एकदम से वो खड़ी हो जाती है और बोलती है कि यार तुम 1 मिनट मेरी दिमाग मत ख़राब करो रूही अरोरा, तुम मुझे पूरी सिचुएशन बताओ कि आखिर चल क्या रहा है और ये मेरी दिमाग यार फटी जा रही है, क्या ये सब प्लान थी? क्या तुम दोनों 3 महीने पहले अलग नहीं हुए थे? हाँ क्या ये सब प्लान के, और उस प्लान में मैं भी थी? अगर ये सब प्लान थी तो रूही तुमने मेरी मदद क्यों ली? मुझे क्यों बोली कि मैं पूजा का ध्यान रखूं, अपनी कंपनी से उसको लॉन्च करूं, सारी चीज़ करूं और तुम मेरे साथ हर रोज़ ब्लूटूथ पे रहती थी? ये सब क्या मतलब? जब ये सोचती है, ये सुनती है पूजा तो घूर के रूही को देखने लगता है, बोलती कि क्या नताशा को आपने भेजी? ये तो मुझे भी जाननी है, आखिर आपके दिमाग में क्या चली, ये सब क्या है?
तभी नताशा रूही की तरफ देखती है, पूजा भी रूही की तरफ देखती है, तो रूही एकदम से साइड में बैठती, उसकी फेस में अलग से स्माइल थी और बोलती कि अरे रिलैक्स यार, रिलैक्स, तुम दोनों जान मत लो मेरी, आराम से बोल रही हूँ यार, और पूजा इतनी शरीफ बन रही हो, मदद तो करने के लिए तुमने ही बोली थी ना माया की, मेरी क्या गलती है यार, अरे मेरी तो कोई लेना देना थी नहीं, तुमने मुझे बोली कि यार वो तुम्हारी एक समय की पहली प्यार थी, जो भी थी, क्रश थी, प्यार थी, अब उसकी ये सिचुएशन में तुम अगर उसकी मदद नहीं करोगे तो कौन करेगी, ये सलाह देने वाली तुम वो पहली इंसान थी, है ना। तो पूजा चुप हो जाती है, नताशा घूर के पूजा की तरफ देखने लगती है, तभी पूजा बोलती कि अब हाँ तो मदद करने के लिए बोली थी, ये थोड़ी ना बोली थी कि मम्मी के साथ मुझे भेज दो, वो सारी चीज़, वो सारी सिचुएशन, वो सब क्या थी, आपने मुझे क्यों लेने नहीं आई, क्यों नहीं रोकी घर से जाने के लिए, मम्मी मुझे लेके चली आई, हाँ आप तो नहीं रोकी और ना ही आप मेरे पास आए, और कुछ दिन बाद तो ये खुद आ गई, हाँ क्या समझूँ मैं। तभी रूही बोलती है थाम्बा यार थाम्बा, सांस ले लो, अरे मुझे बोलने की मौका तो दो, हाँ। तभी नताशा बोलती तो तुम दोनों मेरी दिमाग ख़राब मत करो यार, सब कुछ मेरे सर के ऊपर से जा रहा है, रूही सच सच बताओ कि क्या मसला है यार। तभी रूही एकदम से बैठती है और बोलती कि थोड़ी फ्लैशबैक चलते हैं। चीज़ें उस रात से शुरू होती है जिस रात मैं घर में बहुत लेट नाइट पहुंची थी, याद है ना पूजा, जब तुम मेरे लिए बेसब्री से इंतज़ार करते करते सो गई थी। तभी पूजा रूही की तरफ देख के बोलती कि हाँ याद है। तभी रूही बोलती कि हाँ उस रात मैं तुम्हारी मॉम से थोड़ी बहुत हॉल में बैठ के बात ही कर ही रही थी कि मेरे फ़ोन पे एकदम से एक वॉइस नोट आती है, वो वॉइस नोट जैसे ही मैं सुनती हूँ मेरे तो रोंगटे खड़े हो जाते। माया चिल्ला के रो रही थी कि मत मारो प्लीज़ मत मारो, वो चिल्लाने इतनी जो है भयानक थी कि मेरी एकदम से सारी चीज़ में सुन तो गई थी, और आखिर में सिर्फ उसने ये बोली थी कि प्लीज़ रूही यहाँ पे आ जाओ, प्लीज़ मुझे बचा लो प्लीज़। फिर वो जो है वॉइस टेक्स्ट ख़त्म हो जाती है, मैं मुझे कुछ नहीं सूझी, मैं इधर उधर देखी पर वहाँ पे पूजा थी नहीं, और मैं बस वहाँ से निकल गई, मैं उस लोकेशन पे पहुँची, वहाँ पे अंदर गई, और अंदर जाके जो सिचुएशन, जो नज़ारा मेरी आँखों के सामने थी, मैं शॉक्ड हो गई। जो माया के हस्बैंड थे वो अपनी बेल्ट से माया को इतनी बेरहमी से मार रहा था, उसका वो बेटा वो एक साइड में खड़े होके रो रहा था, और वहाँ पे माया की मॉम मौजूद थी, वो रोकने की कोशिश तो करती है लेकिन वो रोक नहीं पाती, जैसी ही क्योंकि माया की मॉम मुझे जानती थी। जब मैं कॉलेज टाइम पे थे, मैं और माया बहुत अच्छी दोस्त थी, और माया के लिए मैं कुछ अलग फील करती थी, अब ये प्यार थी या कुछ वो पता नहीं है, वो पहली लड़की थी जिसके कारण मुझे पता चली कि मैं लड़कियों को पसंद करती हूँ, मैं शायद उसको प्रपोज करने वाली थी या फिर करी थी पर वो पीछे हट गई, और मुझे माया की पापा के बारे में कॉलेज लाइफ से ही सब कुछ पता है, वो इतनी खतरनाक इंसान थे ना, वो अपने हिसाब के लिए एक सेकंड तक नहीं सोचते लोगों की मारने के लिए, उनके हाथ ना कई हज़ारों लोगों के खून के धब्बे लगे हुए हैं, कितने न जाने कितने लोगों को मार चुके हैं, ये चीज़ सारा चीज़ मुझे पता थी। और उस सिचुएशन में जब माया की मॉम मुझे देखती है, वो एकदम से मेरे सामने आती है, हाथ जो लेटर बोलती कि प्लीज़ मेरी बेटी को बचा लो प्लीज़, मुझे कुछ नहीं सोची, मैं उस साइड पे गई, उसके हस्बैंड को एकदम से धक्का दी, उस बीच मेरे हाथ पे फ़ोन थी, वो फ़ोन टूट गई, मैंने बस माया के हाथ पकड़ी, उसने अपनी बेटे को अपनी गोद में लिया और मैं वहाँ से निकल गई, उसको लेके एक होटल में गए, उसको रूम में वहाँ पे रखा, मैं थोड़ी देर माया से बात किया कि आखिर क्या प्रॉब्लम है, ये सब क्या है। फिर माया ने मुझे बताया कि उसके पापा अपने हिसाब के लिए उसी लड़के से माया की शादी की, वो जो लड़का था युग मेहता जो है आशुतोष वर्नल के राइट हैंड थे, एक बहुत बड़ा लॉयर जो आशुतोष वर्नल के हर एक गंदी चीज़ को लीगल वे में जो है सॉर्ट आउट कर देते हैं, वो हर एक चीज़ पता है आशुतोष वर्नल के बारे में, राइट हैंड ही था।
इसीलिए उस हिसाब से वो अपनी बेटी को कुर्बान कर दे, उसके साथ शादी करा दी। और वो लड़का इतना ख़राब और इतना बदतमीज़, वो इतना ख़राब थी कि जो माया है वो बोलते हुए उसके आंखों से आंसू आते हैं। मैं उसको जैसे तैसे वहाँ पे समझाया, फिर मुझे तो बहुत ज़्यादा लेट हो गई, लेकिन मैं ज़्यादा देर तक नहीं रुकी। मैं वहाँ पे माया का जो है सिक्योरिटी वगैरह सिक्योर करके मैं वहाँ से घर आई, और घर आके देखी कि पूजा मेरी इंतज़ार करते करते सो गई थी। मुझे बहुत अच्छी नहीं लगी वो चीज़, बहुत बुरी लगी, हर्ट हुई। फिर जब मैंने उसको कमरे में लेके गई, उसी वक्त पूजा को मैंने वो चीज़ बता दी कि मैं कहाँ गई थी, ये सिचुएशन हुई थी। पूजा मुझे नहीं लगी थी कि इस तरह रिएक्ट करेगी, वो बिल्कुल नॉर्मल रिएक्ट करती। ये सारी चीज़ रूही बोल रही थी और नताशा बड़े गौर से सुन रही थी। और फिर नताशा बोलती कि आगे, तभी रूही बोलती कि पूजा बहुत नॉर्मली रिएक्ट करती है। और वो पहली बार उसने बोली मुझे हक करके कि कोई बात नहीं, आप एक काम करो ना, उसकी मदद करो, इस जंगल से छुड़ाओ, उसको आज़ाद करो, आज़ाद करो, मैं आपके साथ हूँ। जैसे ये पूजा की सपोर्ट मुझे मिली, मुझे इतनी अच्छी लगी ना, मेरी पावर ऐसे लगी कि दोगुनी दुगुनी हो गई। लेकिन सिचुएशन तो तब ख़राब हुई, पूजा को सब कुछ पता तो थी, लेकिन जब उसके कंपटीशन के दिन वो खुशी में मेरे पास आई, मुझे हक की और एकदम से किस की, उस वक्त सिचुएशन ख़राब हो गई थी। और मुझे ये चीज़ थी कि माया के हस्बैंड को मेरे बारे में पता चल चुकी थी, और मैंने उसको एक अलग ही टोन पे बोल दी थी कि वो माया से दूर रहे, क्योंकि माया मेरी गर्लफ्रेंड है। क्योंकि अगर ये चीज़ नहीं बोलती तो उस वक्त वो आते और खींच के माया को लेके जाते। जब मैंने ये बात बोली वो शॉक्ड हो गया था, और वो बोलते कि क्या मतलब है तुम्हारा। और मैंने, क्योंकि माया की फ़ोन पे मेरी कुछ पिक थी, ये चीज़ मुझे भी शॉक करी है थी, तो मैंने जब उसको वो सारी चीज़ दिखाई, वो यकीन ही नहीं करना चाहता था, वो चला गया। लेकिन मुझे पता था कि अब इसमें माया की पापा भी जो है इंटरफेयर करेंगे, और माया की पापा का मतलब है मेरे वीक पॉइंट पे हाथ लगाएंगे, और मेरे वीक पॉइंट मेरा भाई ग्रैनी और पूजा, ये तीन इंसान, खास करके पूजा। मैं पूजा के ऊपर कोई आँच नहीं आना देना चाहता थी, कोई भी आँच नहीं। यही चीज़ मुझे बहुत ज़्यादा परेशान कर रही थी। मैं बस सोच रही थी कि अगर मिस्टर आशुतोष मेरे साथ आमना सामना हो तो वो मेरे चाहते लोग को का क्या करेंगे, क्योंकि उनको ना सबसे पहले उनकी जो वार होती है वो ये होती है कि सामने वाले इंसान के वीक पॉइंट कौन सा है, वो उसी पॉइंट पे वार करता है। ये चीज़ मुझे पता है उनके बारे में। तभी मेरे दिल में एकदम से एक घबराहट सी आई पूजा को लेके, कि अगर इस सारे चीज़ों में पूजा को अगर कुछ हुई तो मैं क्या करूँगी। मेरे दिमाग में कुछ चीज़ें आई कि मैं कुछ महीनों तक, 3 महीने तक, क्योंकि डिवोर्स की वो सारे प्रोसीड्योर होने में 3 महीने ही लगते हैं, डिवोर्स फाइल तो कर चुके थे, अब वो प्रोसीड्योर होने तक मुझे पूजा को सिक्योर करनी थी। फिर वही सिचुएशन पैदा हुई कंपटीशन के दिन, जब मैं पूजा मेरे पास आई, मुझे हक की और जब मुझे किस करेगी, तभी मेरी नज़र थी और मैंने देखी थी पूजा की मॉम को। जैसी ये बोलती है, पूजा घूर के देखती रूही को और बोलती कि क्या मतलब, आपको पता थी। तभी रूही चुप हो जाती है, तो पूजा बोलती है, रूही मैं कुछ पूछ रही हूँ। तभी रूही बोलती है, हाँ मैं देखी थी कि तुम्हारी मॉम आ रही है। तभी पूजा एकदम से उठ के खड़ी हो जाती है और बोलती है, ये सब का क्या मतलब, मतलब तुमने जानबूझ के ये सारी चीज़ की ताकि मॉम मुझे वहाँ से लेके आए। तभी एकदम से रूही बोलती है, देखो मेरे पास और कोई रास्ता थी नहीं। अगर मैं तुम्हें आसानी से बोलती ना कि पूजा प्लीज़ थोड़े दिन के लिए, तुम कतई नहीं मानती। मैं तुम्हें जानती हूँ, तुम मुझसे अलग ही नहीं होती, मुझसे दूर जाने के लिए मना कर देती। तभी पूजा उसके साइड पे आते, उसके शोल्डर पे एकदम से मारते और बोलती कि इतनी ख़राब इंसान हो तुम यार, क्या है मतलब, तुमने सारी चीज़ जानते हुए भी होने दी और मम्मी मुझे वहाँ से लेके आई। मैं इतनी रोई। तभी पूजा रूही बोलती कि अरे वो रात तो मैं गई थी ना तुम्हारे पास, हाँ
भूल गई थी क्या? मैं बोल कर आई थी कि कुछ दिन हम एक दूसरे से दूर रहेंगे, तभी बोलती कि वो हकीकत थी, मतलब मुझे लगी, तभी एकदम से रुई बोलती कि क्या पूजा यार, मुझे सारी सिचुएशन पता थी और मैं गई थी उस वक्त तुम्हारे वो जहाँ पे तुम रुके थे उस रात, गई तो थी तुम्हारे पास, मैं कुछ चीज़ें बता के आई हूँ कि थोड़ी दिन के लिए। तभी रूही जो पूजा है बोलती कि ये थोड़ी दिन है, 3 महीने, तुम्हें पता भी है 3 महीने में कितनी रोई हूँ, हाँ हर रोज़, और तुमने मुझे एक बार भी कांटेक्ट करने की कोशिश नहीं की, ऊपर से अपनी कसम दे दी कि मैं तुमसे कांटेक्ट ना करूँ, ये क्या बात हुई? तभी एकदम से नताशा बोलती कि यार तुम दोनों अपना अपना बाद में सॉल्व कर लेना, यार रूही बाद में क्या हुआ वो सारी चीज़ बताओ। तभी पूजा चुप हो जाती तो रूही फिर से बोलने लगती है, हाँ तो ये सिचुएशन हुई थी, मुझे बस पूजा को सिक्योर करनी थी और अगर वो मेरे साथ वहाँ पे रुकती तो उसके जान के ऊपर बात आ जाती और मैं पूजा को लेके कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहती जब तक ना माया को उसके हस्बैंड से छुटकारा मिले। मैंने सारी चीज़ तो अरेंजमेंट कर दी थी लेकिन मुझे 3 महीने तक इंतज़ार करनी पड़ी इस चीज़ के लिए, और उस वक्त जो सिचुएशन हुई वो जानबूझ के मैंने होने दी। अगर मैं चाहती तो उस सिचुएशन के मैं एकदम से ठीक कर सकती थी, पर मुझे लगा कि यही वो मौका है, मुझे पूजा को अपनी से दूर करनी होगी और उस सिचुएशन भी मेरे साथ थी। पूजा की मॉम को उस तरह से पता चलना, उनका वो रिएक्शन, फिर घर आई तो मिस्टर आशुतोष वर्नल की मेरी सामना हो ही गई। बहुत डर गई थी उस वक्त, अगर उनका नज़र रूही, मतलब रूही की वीकनेस यानी पूजा के ऊपर पड़ती ना तो मैं पूजा को बचा नहीं सकती थी। तभी मैं वो चीज़ मेरी मेंटल, मेरे दिमाग में और ज़्यादा क्लिक करी कि जैसे भी हो मैं पूजा को वहाँ से जाने दूँगी, मैं रुकूँगी नहीं, अगर और खुद नहीं जाएगी तो मैं कुछ ऐसी सिचुएशन कर दूँगी कि पूजा को वहाँ से जानी पड़ी और मुझे कुछ करनी नहीं पड़ी ज़्यादा, जो किया उसके मॉम ने कर लिया आसानी से और उसको लेके आ गए यहाँ से। और मैंने अपनी तरफ से कभी कोशिश नहीं की क्योंकि मुझे पता है मेरी हर एक चीज़ में मिस्टर आशुतोष वर्नल जो है नज़र रखेंगे। इसके लिए पहले पूजा को, फिर मैंने अपने भाई को और वहाँ के सिक्योरिटी लेवल, क्योंकि मैं उतनी बड़ी पावर तो रखती हूँ कि अपनी फैमिली को संभाल सकती हूँ। मिस्टर आशुतोष वर्नल ये तो जानते थे कि मुझे काबू करना इतना आसान नहीं है, तो मेरे फैमिली पे वार नहीं करेंगे, अगर मेरी कोई और वीक पॉइंट है उस पे वार करेंगे सीधा, और वही चीज़ में वो हाथ धो के पड़ गए। तब से लेकर पूजा के ऊपर हर जो हमला वो सारे चीज़ें हुए ना वो मिस्टर आशुतोष वर्नल ने किया, क्योंकि उनको उनकी बेटी चाहिए थी। ये सारे चीज़ हुई और तब मुझे थोड़ी सी अलग वाली चीज़ लगी कि अगर मैं पूजा को खुद से दूर कर देती हूँ, उसको इंडिया भेज देती हूँ, लेकिन ये क्या गारंटी है कि वो इंडिया आने के बाद सिक्योर रहेगी? ये चीज़ बहुत ज़्यादा परेशान कर रही थी मुझे। और तभी मेरे दिमाग में नताशा तुम्हारी बात आई। मैं इतना तो समझ गई थी नताशा कि तुम भी पूजा से शिद्दत से मोहब्बत करती हो और अपनी मोहब्बत को हिफाजत करने के लिए इंसान किसी भी हद तक पार करने के लिए तैयार हो जाती है, और मेरे बाद अगर उस चीज़ के लिए अगर कोई पूजा की मदद कर सकती है वो सिर्फ तुम थी, क्योंकि मुझे पता थी कि भी मुझे पूजा से हर वो चीज़ जो है ख़त्म करनी पड़ेगी, कोई भी लिंक मैं पूजा के साथ रख नहीं सकती, तो अगर मैं उससे वो चीज़ सारी चीज़ ख़त्म कर दूँ तो उसके वहाँ पे एक करियर पॉइंट पे जो है डाउनफॉल आ जाएगी, ये चीज़ मुझे पता थी। और उसको ऊपर करने के लिए मेरे ही तरह जो है लेवल की एक कंपनी या फिर एक हाथ चाहिए थी, और मुझे वो नताशा ओब्रॉय लगी, क्योंकि वो पूजा की देखभाल भी कर सकी, क्योंकि आज तक उसने पूजा की पीछा कभी नहीं छोड़ी है ना नताशा। नताशा जो है चुप हो जाती है, वो कुछ नहीं बोलती है, और तभी पूजा बोलती कि पर ये गलत है, मतलब ये सारे सिचुएशन आप जानबूझ के। तभी एकदम से रूही बोलती कि प्लीज़ ट्राई टू अंडरस्टैंड, मेरे पास और कोई वजह नहीं थी और आज भी तुम्हारी किडनैप हो गई है, पता है तुम्हें
मैं कोई भी रिस्क लेना नहीं चाहती थी। और अब वो इंसान बौखला गए हैं, वो खुद आए हैं इंडिया में। तो सोचो, क्योंकि उनकी बेटी की डिवोर्स हो चुकी थी, हो चुकी है, माया आज़ाद हो चुकी है और वो कहीं और अब जा चुकी है। अब तक तो वो पहुँच गई होगी, माया हर वो जंजीर से आज़ाद हो चुकी थी जो उसको बांध के रखी थी। और मैंने इन 3 महीने में वो सारी जो है अरेंजमेंट कर ली थी कि उसको उसकी बेटे का कस्टडी मिले, और आखिर तक मिली गई। तो वो चली गई है कहीं और अपनी ज़िंदगी जीने। तभी एकदम से पूजा बोलती कि तो अब क्या है? तभी बोलती कि अब ये है कि माया के पापा पूरी तरह से बौखला गए हैं कि वो तुम्हें यानी रूही की कमज़ोर कड़ी को, क्योंकि वो जान गए हैं पता नहीं कैसे, मैं सारी चीज़ लिंकअप ख़त्म कर दी है तुमसे, पर फिर भी उनको पता चल ही गए कि तुम मेरी वो कमज़ोर कड़ी हो जिसके अगर वो ख़त्म करेगी तो मैं ख़त्म हो जाऊँगी। ये चीज़ उनको पता चल गई है और वो अब मुझसे बदला लेने के लिए तुम्हारी पीछे पड़ गए हैं। अब उनका ये चीज़ तय हो गया है कि वो तुम्हें मार देंगे। तभी नताशा बोलती कि वाह व्हाट अ प्लान रूही यार, तुम ना व्यापारी बहुत अच्छी से कर ली थी, तभी तो बिजनेस वुमेन कहलाती हो यार। क्या माइंड ब्लोइंग प्लान है यार, गजब की। वो एकदम से क्लैप कर दिए। फिर वो बोलती कि लेकिन एक बात है यार, व्यापारी ना बाहर किए जाते हैं, रिश्तों के साथ व्यापारी नहीं करते रूही, इतना तो समझ आ ही जाती है। चलो ये चीज़ अगर तुम ना भी बोलती ना तब भी मैं पूजा की हिफाजत तो करती। तुम लोग इंडिया से वहाँ तक चले गए, मैं चली तो गई थी लेकिन मैंने कभी पूजा के ऊपर से अपनी नज़र हटाई नहीं, क्योंकि मुझे ना तुम पे रत्तू भर भी ट्रस्ट नहीं है। मुझे लगी थी कि कभी ना कभी तुम पूजा को तकलीफ़ पहुँचाओगी, पता नहीं क्यों पर मुझे पता चली है। और मैं अपनी तरीके से पूजा के ऊपर नज़र रखती थी और मुझे ये चीज़ तो पता चल गई है कि कुछ तो प्रॉब्लम है। जब तुमने मुझे कॉल की तभी मेरी वो चीज़ और ज़्यादा गहरी हो गई और मैं तुम्हारी एक ही कॉल पे आ गई। तब तुम्हें सोचनी चाहिए थी कि इतनी आसानी से कैसे मान गई थी मैं सारी चीज़ जानती थी, लेकिन हाँ ये नहीं जानती थी कि तुम दोनों का प्लान था। मैं बीच में फंस गई यार, मुझे ज़रिया बना के। तभी रूही बोलती कि नहीं, मैंने ज़रिया नहीं बनाई, पूजा को एक कंपनी के साथ ज़रूरत थी। अगर मैं उसके साथ वो चीज़ ख़त्म करूँगी तो उसकी करियर एकदम से डाउन हो जाएगी, जो कि मैं चाहती नहीं थी। और मेरे लेवल जैसा तुम्हारे अलावा और कोई थे नहीं, ओबरॉय इंडस्ट्रीज़ करीब मेरे जैसे ही है, तो अगर मैं ना कर पाऊँ तो तुम लोग अच्छे से कर सकते थे, इसीलिए मैंने तुम्हें वो ऑफ़र दिया। तभी बोलती कि अच्छा, और वो वाला वो ऑफ़र वो शर्त उसका क्या हो गई? तभी रूही एकदम से हंसते और बोलती कि देखो 3 महीने थे तुम्हारे पास, अगर तुम 3 महीने में कुछ नहीं कर पाई तो मैं क्या करूँ? तभी पूछा घूर के देखते और बोलती कि कौन से ऑफ़र, कौन सा डील? तभी रूही हंसते और वो एकदम से बोलती कि ये मैडम ने मेरे साथ एक डील की थी, इसने कही कि देखो तुमने पूजा को हर्ट कर दिया, अब उसको छोड़ दिया तो उसको संभालने की जिम्मेदारी सारी मेरी, लेकिन इसके बीच एक डील है, मैं उसको अपनी प्यार की इजहार करना चाहती हूँ, उसको ये चीज़ एहसास दिलाना चाहती हूँ कि मैं उससे बहुत प्यार करती हूँ, और अगर वो इस चीज़ को समझ जाए तो अगर वो मेरे साथ आना चाहे तो तुम रोकोगी नहीं। तभी पूजा घूर के देखती है नताशा की ओर, तो नताशा बोलती कि हाँ तो क्या है यार, एक फेयर चांस मानना का मतलब यार मेरी भी वो चीज़ थी, चाहिए थी यार, आई लव यू। तो मैंने उसको बोला कि भाई एक फेयर चांस तो मैं भी डिज़र्व करती हूँ। अब सिचुएशन उसी तो उस वक्त हमारे बीच एक डील हुई कि मैं 3 महीने तक तुम्हें अपनी कंपनी से लॉन्च करूँगी और मैं पूरी प्रयास करूँगी तुम्हारे दिल में उतरने के लिए, और ये बीच में नहीं आएगी और ना ही मुझे टोकेगी। मैंने फेयर चांस बोली थी, देखो पूजा मैंने इन 3 महीनों में तुम्हारे साथ कोई गलत चीज़ें नहीं की। तभी पूजा बोलती कि मैंने ये बोली नहीं। तभी बोलती कि हाँ ना, तो मैंने फेयर चांस मांगी इससे,
इसने कहा, अगर उसको एहसास हुई कि वो तुम्हारे दिल में उस वो मतलब तुम पूजा तुम अगर मेरे लिए कुछ भी फील करो ना तो पीछे हट जाएगी। ये जब बोलती है तो पूजा घूर के रूही को देखती है और रूही एकदम से बोलती है कि बेबी आई नो ना कि तुम मुझे कितना प्यार करती हो, मुझे कॉन्फिडेंस थी तुम्हें लेके, तभी तो बोल दी। तभी बोलती कि अच्छा, और फिर मेरे साथ ब्लूटूथ पे रहने का मतलब वो क्या थी? तभी जो पूजा है वो घूर के दिखता है, बोलती है ब्लूटूथ, ये ब्लूटूथ का क्या चक्कर है? तभी रूही हंसती और बोलती कि जब इसने ये शर्त रखी कि ये फेयर चांस लेगी तुम्हारे ऊपर, तो मैंने इसको बदले में एक शर्त दी कि मैं इसके साथ ब्लूटूथ पे कनेक्ट रहूँगी, इसके हर एक बात हर एक चीज़ मैं सुन पाऊँ, साथ साथ तुम्हारी आवाज़ को भी, मैं बस तुम्हारी आवाज़ को सुनने के लिए। तभी जैसे ये बोलती है तो पूजा बोलती है अच्छा, तो कमरे में जो कैमरे लगे थे उससे भी तो आप मुझे देख सकते थे ना? तो जैसे ये बोलती तो नताशा एकदम से घूर के दिखता होती है क्या मतलब? तभी रूही हंसती है बोलती कि तो तुम्हें पता थी इसीलिए तुम कमरे में कपड़े चेंज नहीं करती थी ना? जैसे ये बोलती है तो पूजा एकदम से स्माइल पास करती है और नताशा बोलती कि यार तुम दोनों ना अलग ही हो यार, रूही यार माना तुम बहुत अच्छी बिजनेस वूमेन हो पर यार ऐसे मतलब मैं क्या बोलूँ, मतलब मैं बलि का बकरा बन गई। तभी पूजा ना बड़े प्यार से नताशा की साइड पे जाती है, वो एकदम से नताशा की गाल पे किस कर लेती है, चीक्स पे। नताशा अपनी गाल को पकड़ती हुई पूजा को एक टक देख रही थी और रूही घूर के पूजा को देख रही थी और एकदम से बोलती कि ये क्या है, तुमने उसके गाल पे किस क्यों की पूजा, दिस इज़ नॉट फेयर। तभी पूजा एकदम से नताशा की शोल्डर पे, वो एकदम से होता है ना शोल्डर से हाक करना, ऐसे करती है, बोलती कि देखो मैं इसकी बहुत अच्छी दोस्त हूँ और वो बिना कुछ सोचे समझे मुझे सेव करने के लिए इतना सब कुछ किया, तो एक दोस्ती के नाते ही ये बस छोटी सी तोहफा थी। नताशा एकदम से गाल पे हाथ रखते हुए हंस देती है और वो बोलती कि अरे यार सुनो, एक और मिलेगी यार दोस्ती के नाते, सही सही प्लीज़ एक और दे दो। तभी रूही बोलती कि पूजा डोंट डू दिस, देखो दिमाग ख़राब मत करो मेरी। तभी पूजा बोलती कि 3 महीने से हर दिन जो रोई हूँ वो मेरे आंसू को वापस करो, वापस करो, मुझे तो लगी थी पूरी दुनिया ही मेरी उजड़ गई है, ऐसे कौन करती है? अगर प्लान के हिस्सा थी, अगर मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं थी, मैंने खुद बोली थी, तो आप सब कुछ ये सब कर सकते थे ना, फिर ये सारी सिचुएशन करने की क्या ज़रूरत थी? मम्मी के साथ भेज दिया, कांटेक्ट नहीं की, ना ही करने दी, ना ही खुद आई और ना ही मुझे आने दी, हर रोज़ मरी मैं। तभी रूही बोलती कि देखो सिचुएशन को समझो, मैं तुम्हारे ऊपर कोई भी वो चीज़ नहीं डालना चाहती थी, रिक्स हो जाती बहुत और तुम उससे थोड़ी सी साइड हो जाओ पूजा। तभी पूजा एकदम से हक करती है नताशा को और बोलती कि नहीं देखो तुमसे ज़्यादा तो ये डिज़र्व करती है मुझे। तभी नताशा बोलती कि हाँ ना तो चले आओ मेरे साथ। तभी वो फिर से उसकी दूसरे गाल पे जो है चिक्स पे किस कर देती है। ये चीज़ देख के रूही को इतना गुस्सा आती है, उठती है, उठ के वो पूजा की हाथ पकड़ते अपनी तरफ खींचती है और एकदम से उसे हक करते बोलती कि देखो ऐसा मत करो यार, मैं जीते जी मर जाऊँगी यार, मेरे लिए आसान थोड़ी थी, मैं 3 महीने तक तरस गई थी तुम्हें देखने के लिए। तभी पूजा उसके दिल पे थोड़ी सी मारती है और बोलती कि चल झूठी, कैमरा तो लगाई हुई थी ना मेरे कमरे में, मैं क्या करती हूँ कहाँ जाती हूँ सब नज़र तो थी ना। तभी रूही बोलती वो कैमरे से देखने का मतलब क्या है यार, स्क्रीन में देखने का वो मज़ा कहा जो ऐसे हकीकत में तुम्हें निहार सकूँ, तुम्हारी जुल्फों से शरारती कर सकूँ, तुम्हारी छूने को तुम्हें छूने की हर वो एहसास महसूस करूँ, ये वाली बात अलग है ना। ये बोलती ही वो पूजा को टाइटली हक कर लेती, उसकी फॉरहेड पे किस करती है और बोलती कि सच में तरस गई थी, 3 महीनों से तड़प रही थी तुम्हारे लिए कि कब आऊँ, कब हो सारी चीज़ सॉर्ट आउट हो, मैं आऊँ और तुम्हें अपनी बाहों में संभालूँ। जो नताशा थी उसको अब ये चीज़ बुरी नहीं लगती, उसके फेस में स्माइल आ जाती है और बोलती है हाँ हाँ कर लो तुम दोनों पहले ये, यार मेरी तो बहुत अच्छे से इस्तेमाल के, मतलब यार बेवकूफ़ बन गई मैं तो।
तभी रूही बोलती है नहीं ऐसी कोई बात नहीं। तभी नताशा बोलती है चलो अच्छी बात है, इन सारी चीज़ों में ये तो अच्छी हुई कि पूजा की किडनैप नहीं हुई। यार मेरी जान पे बात आ गई थी, इतनी घबरा गई थी, बेबस हो गई थी यार कि मैं क्या करूँ क्या नहीं, इधर उधर भागती रही। तभी रूही एकदम से बोलती है किसने कहा कि किडनैप नहीं हुई। तभी नताशा घूर के देखते बोलती है क्या मतलब यार रूही, पूजा हमारे साथ में है। तभी वो बोलती कि पूजा हमारे साथ में है लेकिन उसके जगह कोई और किडनैप हो चुकी है। जैसे ये बात बोलती है नताशा और पूजा घूर के रूही की तरफ देखते और बोलती कि व्हाट डू यू मीन बाय दैट। तभी रूही थोड़ी सी पीछे करती है पूजा को और बोलती कि रोशनी की किडनैप हो चुकी है, पूजा समझ के रोशनी को किडनैप किया गया है। जैसे ही ये बात बोलती है पूजा और नताशा शॉक्ड हो जाती है और रूही वो अलग सी बर्ताव करती है, वो जाके एक साइड पे बड़े एटीट्यूड के साथ बैठ जाती है। नताशा देख के बोलती कि तो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं यार, वो लड़की तुम्हारी बंदी की छाया बन के रही यार, इतनी हिफाजत इतनी ध्यान रखी और अब उसकी ये हालत है तो हमें तुम्हें नहीं लगता कि हमें चलना चाहिए यार, उसको बचाना चाहिए यार, क्या कर रहे हो तुम। तभी रूही एकदम से हंसती है, उसकी हंसी देख के जो पूजा और नताशा बहुत कंफ्यूज होती है। तो एकदम से नताशा बोलती कि यार क्या हुआ है बताओगी। तभी जो रूही है वो बोलती कि उसको किसी की ज़रूरत नहीं है, वो अकेले ही सौ को मात देने की क्षमता रखती है। जैसे ही ये बोलती है तभी नताशा बोलती कि यार तुम्हारी मतलब तो एक तो मेरी दिमाग से ठीक से वो सारी चीज़ बैठ नहीं रही है, मैं डाइजेस्ट नहीं कर पा रही हूँ एक के बाद एक, क्या मतलब है। तभी रूही बोलती कि जिन लोगों ने उसको किडनैप किया है ना उनको मतलब ये भनक तक नहीं है कि रोशनी रावत क्या चीज़ है। जैसी ही रोशनी अपनी होश में आएगी ना तो वहाँ पे बवाल ही मचेगी। तभी एकदम से जो नताशा है वो बोलती कि यार कि क्या बोल रही हो, अरे वो इत्तू सी है वो क्या करेगी। तभी रूही जो है वो एकदम से हंसती और बोलती कि वो इत्तू सी नहीं है, IPS ऑफिसर है, पुलिस इंस्पेक्टर। जैसी ये सुनती है तो पूजा और नताशा दोनों शॉक्ड होते हैं, दोनों एक दूसरे को फेस की देखने तरफ देखने लगता है और बोलती है यार ये कौन सा नया एकदम से बम फोड़ दी तुमने मेरे सर के ऊपर मतलब। तभी रूही उठती है और खड़ी होकर बोलती है यस जो सुना है वो सही है, वो इंस्पेक्टर है रोशनी रावत। तभी एकदम से नताशा बोलती है यार कि क्या बोल रही हो, कभी लगी नहीं कि वो इंस्पेक्टर है। तभी वो बोलती है हाँ ना इंस्पेक्टर है, ये तो आगे चल के पता चलेगी, बस इंतज़ार करो, बस कुछ ही देर में उसका कॉल आएगी मेरे पास, जस्ट वेट एंड वॉच। तभी वो ये दोनों ये तीनों वहाँ पे जो है बात कर रहे थे, नताशा बहुत शौक थे और पूजा भी रोशनी की बात सुन के। और करीब आधे घंटे बाद एकदम से रूही की फ़ोन पे रिंग होती है। तो रूही स्माइल के साथ वो मोबाइल की तरफ देखते और देख के ही वो फ़ोन को उन दोनों के सामने आगे करती है। तो नताशा और पूजा जो नाम देखती है वो देखती है रोशनी, तो नताशा शॉक्ड हो जाती है। तो रूही तुरंत फ़ोन उठाती है और लाउड स्पीकर पे डाल देते और वहाँ से एकदम से बोलती है कि रूही मैम। तभी रूही बोलती है हाँ रोशनी जी बोलिए। तभी जो है रोशनी बोलती है कि मेरा काम हो गई है, आप चाहो तो आ सकती हो। तभी जो रूही है बोलती है कि गजब बहुत फास्ट हो तुम। तभी वो बोलती कि हाँ पुराना हिस्सा जो बराबर करनी थी, वेल आप चाहो तो इस लोकेशन पे आ सकते हो, वेल मैम ठीक है ना। तभी एकदम से रूही बोलती कि हाँ बेशक, अरे मेरी जान को मैं रहते हुए उसको कुछ हो सकती है क्या। तभी रोशनी हंसती है और बोलती कि ये तो मुझे भी पता है, वेल सी यू मिलता है फिर, ये बोल के वो कॉल कट कर देती है। तो नताशा पूजा दोनों इतनी शौक थी, नताशा बोलती कि यार क्या हो रही है यार। तभी जो रूही है बोलती कि और भी कुछ चीज़ें हैं झटके लगने वाले हैं, चलो बस खुद पे थोड़ा सा वो रखो शांति सवर और संभालो खुद को, ऐसा ना हो कि तुम बेहोश हो जाओ, आगे और भी कुछ चीज़ है। ये बोल के ये तीनों वहाँ से जो नताशा की कार से उसी लोकेशन पर पहुँचते हैं। तो आज से नहीं तक जानेंगे अगले एपिसोड में क्या होती है, तब तक अपना और अपनों का ध्यान रखिए, ढेर सारा प्यार बांटिए, खुश रहिए, खुशियाँ बांटिए। लव यू ऑल गाइस, सी यू सून, खुदा हाफिज़, टाटा बाय बाय।